नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी शिविर पर हवाई हमला किया। विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा, इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों, प्रशिक्षकों और सीनियर कमांडरों का सफाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश सुरक्षित हाथों में। नई दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय बैठक में कार्रवाई के लिए सुरक्षा बलों की सराहना और सरकार के आतंकरोधी अभियानों का समर्थन किया गया। उच्चतम न्यायालय ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले को मध्यस्थता से सुलझाने का सुझाव दिया और प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़े जौहरी नीरव मोदी की 147 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारतीय वायुसेना ने आज तड़के पाकिस्तान में बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी शिविर पर हमला किया। विदेश सचिव विजय गोखले ने नई दिल्ली में बताया कि विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली थी कि जैश ए मोहम्मद भारत में और आत्मघाती हमलों की कोशिश कर रहा था और इसके लिए आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रहा था, इस कारण ये हमला करना जरूरी था। श्री गोखले ने यह भी बताया कि इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में जैश ए मोहम्मद के आतंकी, आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने वाले और आतंकी गुट के सीनियर कमांडर मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि ये गैर सैन्य कार्रवाई थी जिसे घने वन क्षेत्र में अंजाम दिया गया ताकि नागरिक हताहत न हो। श्री गोखले ने बताया कि जैश ए मोहम्मद ने भारत में कई आतंकी हमले किए हैं। उन्होंने बताया कि इन प्रशिक्षण शिविरों की स्थिति के बारे में पाकिस्तान को जानकारी दी गई थी, लेकिन उसने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। श्री गोखले ने कहा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फर्मली एंड रेजोल्यूटली कमिटेड। भारत सरकार आतंकवाद से लड़ने के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए जैश ए मोहम्मद के शिविर को लक्ष्य बनाते हुए एहतियाती असैनिक कार्रवाई की गई। इस ठिकाने का चयन ये ध्यान में रखकर किया गया कि आम नागरिकों को नुकसान न पहुंचे। टू अवॉइड सिविलियन कैजुअल्टीज। विभिन्न राजनीतिक दलों ने पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर भारत के हमले का स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट संदेश में कहा कि ये कार्रवाई नए भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प को दर्शाती है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वायुसेना के पायलटों की सराहना की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पार्टी वायुसेना की भूमिका के लिए उसे सलाम करती है। विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं ने वायुसेना को बधाई देते हुए कार्रवाई के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस हमले का स्वागत किया है। इस बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज अमरीका, चीन, सिंगापुर, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों से टेलीफोन पर बातचीत की। बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकाने पर भारतीय वायुसेना की कार्रवाई के बाद विदेश मंत्री ने इन नेताओं से संपर्क किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से भी टेलीफोन पर बातचीत की। नियंत्रण रेखा के पार आतंकी शिविरों को तबाह करने की भारतीय वायुसेना की कार्रवाई के बाद ये बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री ने जनता को भरोसा दिलाया है कि देश सुरक्षित हाथों में है। राजस्थान में चुरू में आज दोपहर बाद एक सभा में श्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया को भारत में स्थिर सरकार की ताकत का एहसास हो रहा है। आओ हम सब भारत के पराक्रमी वीरों को सर झुका करके नमन करें। चूरू की धरती से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश नई रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। और कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। पिंकी का भी आधार अपडेट करवा लो। 5 और 15 साल पूरे होने पर बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना जरूरी है। ठीक है फिर। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान।
सुनो सुनो, एक खास खबर है। जॉन, जोगिंदर, मुरली, असलम भाई। बोलो भैया, क्या है बात? ऐसी क्या लाए सौगात? जन्म से लेकर मरण तक कराओ पंजीकरण। बचपन हो या हो बुढ़ापा, जीवन में हर पल जरूरी। शिक्षा, वीजा, पेंशन, नौकरी, काहे करते लापरवाही। गांठ बांध लो मेरी बात, जन्म मरण पंजीकरण हो साथ। मिलो पंचायत सेक्रेटरी या म्यूनिसिपल ऑफिसर से और कराओ जन्म मरण पंजीकरण। स्कूल की जब हुई छुट्टी, हम बच्चों ने ये बीड़ा उठाया, आने वाले चुनाव का हर पहलू एक नाटक के जरिए समझाया। हर नागरिक जो जनवरी 1 तक पूरा करेगा 18 साल, वो करवाए अपना रजिस्ट्रेशन हर हाल। और हर योग्य मतदाता को चेक करना है वोटर लिस्ट में अपना नाम, क्योंकि वही मतदाता वोट देकर आएंगे जो अपना नाम वोटर लिस्ट में पाएंगे। तो समय रहते पंजीकरण करना और वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना भूले ना। इस महात्योहार एक भी वोटर छूटे ना। Verify or register on nbsc.in or call voter helpline 1956. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज नई दिल्ली में विपक्षी नेताओं को आतंकी गुट जैश ए मोहम्मद के ठिकाने पर भारतीय वायुसेना की हवाई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। बैठक के बाद मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए श्रीमती स्वराज ने कहा कि सभी पार्टियों के नेताओं ने एक स्वर में सुरक्षा बलों की प्रशंसा की और आतंक के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया। मुझे खुशी है कि सभी प्रतिनिधियों ने एक स्वर में पहले भारतीय वायुसेना को बधाई दी, फिर सरकार द्वारा किए गए किसी भी आतंक विरोधी कार्रवाई के लिए हमेशा समर्थन देने का आश्वासन दिलाया और पक्ष और विपक्ष का भेद किए बिना एकजुटता का प्रदर्शन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि विपक्ष भारतीय सेनाओं के प्रयासों की सराहना करता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने आतंकवाद के सफाये के सुरक्षा बलों के प्रयासों का हमेशा समर्थन किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कश्मीर घाटी में आतंकवादियों को धन उपलब्ध कराने के मामले में आज अलगाववादियों के आवासों पर छापे मारे। एनआईए के साथ स्थानीय पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मियों ने करीब 9 स्थानों पर तलाशी ली। अधिकारियों ने बताया कि ये मामला पाकिस्तान से अलगाववादियों को हवाला के जरिए कथित तौर पर धन मुहैया कराने से संबंधित है। पाकिस्तान की सेना ने आज जम्मू में राजौरी और पुंछ सेक्टरों के अखनूर, नौशेरा, कृष्णा घाटी और बालाकोट में नियंत्रण रेखा के पार से अंधाधुंध गोलीबारी की। सेना के प्रवक्ता के अनुसार पाकिस्तानी सैनिकों ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और भारतीय ठिकानों पर गोलों तथा छोटे हथियारों से भारी गोलाबारी की, लेकिन भारतीय सेना के चौकस जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत की तरफ से किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। अंतिम समाचार मिलने तक गोलाबारी जारी थी। इस बीच भारतीय वायुसेना द्वारा आतंकी शिविर को नष्ट किए जाने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई महत्वपूर्ण शहरों में अलर्ट जारी किया गया है। हवाई अड्डे से लेकर रेलवे स्टेशनों तक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आतंकवाद पर भारत का जवाबी हमला विषय पर 45 मिनट की हिंदी और अंग्रेजी में विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे आज रात 9:15 से एफएम गोल्ड और राजधानी चैनलों पर सुना जा सकता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा तट के पास चांदीपुर में स्वदेशी सतह से हवा में तत्काल मार करने वाली क्विक रीच टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस तरह की दो मिसाइलें अलग अलग ऊंचाई और स्थितियों में दागी गईं। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस सफलता के लिए डीआरडीओ को बधाई दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमा देख आ रहे हो भैया, कभी यहाँ कभी वहाँ, आखिर तुम्हें जाना है कहाँ? टॉयलेट ढूंढ रहा हूँ सर। अरे भाई, ये भी कोई ढूंढने की चीज है? टॉयलेट तो आपकी पॉकेट में ही है। पॉकेट में टॉयलेट? हाँ, अब पब्लिक टॉयलेट को ढूंढना हुआ आसान। गूगल मैप में SBM टॉयलेट टाइप करो और बड़ी आसानी से टॉयलेट खोजो और सीधा पहुँचो। अरे वाह, मिल गया सर। याद रहे टॉयलेट का फीडबैक देना और रेटिंग करना ना भूले। अपने शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में अव्वल बनाए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, मैं नितिन गडकरी बोल रहा हूँ। मैंने अक्सर यह देखा है कि जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर सिर्फ एक पल की लापरवाही होती है। अगर आप खुद को एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में मानते हैं तो वादा करिए कि आज के बाद कभी ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ेंगे।
यकीन मानिए, आपका यह छोटा सा संकल्प हमें एक अनुशासित समाज और बेहतर देश बनाने में मदद करेगा। जय हिंद। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद को आपसी सहमति से निपटाने का एक और प्रयास किया जाना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने कहा कि वह इस मामले को न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के जरिए निपटाने के बारे में आदेश अगले महीने की 5 तारीख को सुनाएगी। न्यायालय ने कहा कि वह मुख्य मामले की सुनवाई 8 सप्ताह बाद करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी और उसकी कंपनियों की मुंबई और सूरत में 147 करोड़ रुपए मूल्य की चल और अचल संपत्तियां कुर्क कर दी। नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि कुर्क की गई संपत्तियों में 8 कारें, मशीनें और संयंत्र, आभूषणों की खेप और कुछ इमारतें शामिल हैं। ये संपत्तियां धन शोधन अधिनियम के तहत कुर्क की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में गीता आराधना महोत्सव के अवसर पर इस्कॉन मंदिर के श्रद्धालुओं द्वारा तैयार भगवद गीता का अनावरण किया। करीब 3.5 मीटर लंबी और 2.5 मीटर से अधिक चौड़ी 800 किलोग्राम वजन वाली भगवद गीता की ये प्रति दुनिया में अपनी तरह की अनोखी है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि भगवद गीता दुनिया को भारत का सबसे प्रेरणादायक उपहार है। गीता पूरे विश्व की धरोहर है। गीता हजारों साल से प्रासंगिक है। विश्व के नेताओं से लेकर सामान्य मानवी तक सभी को गीता ने लोक हित में कर्म करने का मार्ग दिखाया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में वर्ष 2015 से 2018 तक 4 वर्ष के लिए गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए नकद, प्रशंसा पत्र, एक पट्टिका और परंपरागत हस्तशिल्प कृति प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता के दूरदर्शी प्रयासों से देश का स्वतंत्रता संग्राम एक विशाल जन आंदोलन में बदल गया था। सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा है कि वे अपनी शक्ति पहचाने और नए भारत का निर्माण करें। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय युवा संसद समारोह 2019 के राष्ट्रीय स्तर के फाइनल कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा, कोई भी नौजवान ऐसा नहीं होता जिसमें कुछ न कुछ खासियत ना हो। हमें उस खासियत को ढूंढना है, उसको और तराशना है, अपने आप में विश्वास रखना है और आगे बढ़ना है। बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान को छोड़कर देश के सभी राज्यों ने पूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। आज गुरुग्राम में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ नक्सली समस्या के कारण और राजस्थान कुछ स्थानीय मसलों की वजह से पूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा नहीं कर सके हैं, लेकिन वे जल्द ही ये लक्ष्य हासिल कर लेंगे। श्री सिंह ने इस लक्ष्य की प्राप्ति में पूरी लगन से काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 240 अंक लुढ़क कर 35,974 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 45 अंक की गिरावट से 10,835 पर आ गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की ताजा टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यूजीलैंड पहली बार टीम रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आ गई है। ऑलराउंडर की सूची में रविंद्र जडेजा तीसरे और रविचंद्रन अश्विन 6ठे स्थान पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी शिविर पर हवाई कार्रवाई की है। विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा है कि इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों, प्रशिक्षकों और सीनियर कमांडरों का सफाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश सुरक्षित हाथों में है। नई दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय बैठक ने कार्रवाई के लिए सुरक्षा बलों की सराहना की है और सरकार के आतंकरोधी अभियानों का समर्थन किया है। उच्चतम न्यायालय ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले को मध्यस्थता से सुलझाने का सुझाव दिया है। और प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़े जौहरी नीरव मोदी की 147 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां कुर्क कर दी हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।